लेकिन मैं जो जनभावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी, और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही, और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं ज्वाइन करने वाला, मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो गलत नहीं होगा, और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति ले जाने की, उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और मैं स्पीकर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि मेरा इस्तीफा जरूर मंजूर करें, और जो इस्तीफे की लैंग्वेज है, जो विधानसभा की ऑफिशियल लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज है, उसको देख के मैंने लिखा। और क्योंकि मैं इसमें तजुर्बा भी कह सकता हूँ, मैंने जब लोकसभा का सांसद बना हिसार से, तो मैं दूसरी बार इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी मुझे हो जाएगी, तो एब्सोल्युटली करेक्ट लैंग्वेज है। तो कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे सर, कौन कौन होगा सर बड़े लीडर? वो तो बीजेपी के साथी बता पाएंगे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी मुझे आशीर्वाद देने जरूर आ रहे हैं, उनके अलावा कौन आ रहा है इसका मुझे अभी पता नहीं। कांग्रेस में आपके पुराने साथी कौन कौन साथ हैं? अभी तो पुराने साथियों में दुड़राम जी बैठे हैं ऑलरेडी बीजेपी में, और बहुत साथी मेरे रेणुका जी पूरे विधायक दो बार रही साथ जाएंगी, और मेरे पास इस वक्त सात और पूरे विधायकों के नाम है मेरे पास, और उनकी लिस्ट मैं मनोहर लाल जी को कल दूंगा, और जब वो बीजेपी चाहेगी उनको ज्वाइन करवाना तो एक दिन में ज्वाइन में करवाता हूँ। सिटिंग एमएलए भी साथ है क्या सर, और आपके अलावा कोई सिटिंग एमएलए भी? सिटिंग एमएलए अभी मेरे साथ कोई नहीं। किरण चौधरी जी से बात करेंगे, किसी तरह का कोई समझौता कि केंद्र में राजनीति करने का मौका मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा? देखिए मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, या पार्ट्स ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान दिया जाएगा। देखिए चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी, और लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान करूंगा। सर परिवारवाद को ध्यान में रखती है ये पार्टी, तो आप तीनों क्या अब आगे चुनावी राजनीति के अंदर रहेंगे या एक ही आप में से चुनावी राजनीति में रहेंगे? पॉलिटिकल फैमिली से पॉलिटिकल है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं, रेणुका शायद चुनाव लड़ना नहीं चाहती, मैं और भव्य जरूर एक्टिव रहना चाहते हैं। तो ऐसी हरियाणा कांग्रेस आपने छोड़ दी है, इसके पीछे का कारण ये भी है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्या नाराजगी यही से? देखिए नाराजगी तो काफी पहले से थी मेरी, लेकिन उस आग में घी डालने की बात वो रही, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है, और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है, ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है, ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30-30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे। सारे फैसले गलत हैं, सारे फैसले पूरे हिंदुस्तान में गलत होते जा रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने का मिलेगी, ये भाजपा को देखना है, लेकिन आपकी प्राथमिकता खुद लड़ने की होगी या भव्य को लड़वाने की होगी? मेरी प्राथमिकता भव्य की रहेगी। उदित जी कह रहे हैं एमपी के चुनाव के लिए बिश्नोई के जाने से ना तो बीजेपी को फायदा होगा ना कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी यही बयान दिया था, तो आप क्या कहेंगे हुड्डा साहब को? देखिए जिस आदमी के जिस शरीर में जान होती है उसी का लोग विरोध करते हैं, मुर्दों का कौन विरोध करेगा? कुलदीप बिश्नोई में अगर कुछ दम है तभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई। प्रदेश अध्यक्ष सुदेवान ये कह रहे हैं कि ईडी के डर से आप भारतीय जनता पार्टी, मेरे पास आज तक ना कभी ईडी का कोई नोटिस आया है ना कभी ईडी मेरे घर पे आई है, हमारा 3 साल पहले इनकम टैक्स का सर्च हुआ था और वो सारे के सारे केस मेरे तकरीबन तकरीबन खत्म हो चुके हैं। मैं कुलदीप बिश्नोई ने सिद्धांतों और ईमानदारों ईमानदारी और नैतिकता की राजनीति की है, मेरी छवि पाक साफ है और आगे भी रही। कुलदीप जी पहले भी आप भाजपा के साथ थे, आपको रास नहीं आई थी, अब आप चौथी बार पाला बदल रहे हैं, आपको लगता है ये सही फैसला होगा? नहीं भाजपा पूरी रास आई थी, क्यों नहीं? 3 साल हमने बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन कई बार मन मुटाव परिवार में भी हो जाते हैं, और मन मुटाव का मतलब ये नहीं कि आपकी दुश्मनी हो जाती है, परिवार में कई नाराजगी थी वो दूर हुई और हम इकट्ठे हुए। सर आपके राजनीतिक करियर में 2009 से अगर हम बात करें और 2022 चल रहा है, आप कितनी बार ये मानते हैं कि आपसे फैसला सही फैसला लेने में चूक हुई है? मैंने फैसले हमेशा सही किए हैं, पर कुछ चीजें डेस्टिनी की भी होती है। ठीक है जी, आपके लिए आपकी कांग्रेस छोड़ने की मुख्य वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो आप भी क्या यही मानते? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वजह नहीं है, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझे चैलेंज किया था कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे, तो मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है,
परम आदरणीय स्पीकर साहब जब मंजूर कर लेंगे डिप्टी स्पीकर साहब, तो मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूँ कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मंत्री क्या संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुला चैलेंज आदमपुर हल्के से चुनाव लड़के दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी। सम्मान की इस लड़ाई में किरण चौधरी पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आप चाहेंगे किरण चौधरी से कोई वार्ता करेंगे कि आप सम्मान लेने के लिए? अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश होगा तो अवश्य बात करूंगा। और जिस प्रकार इनका परसों चिंतन शिविर हुआ, आपने फोटो भी देखे, वीडियो देखे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। थैंक यू। बस बस थैंक यू।